लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राइस मिल में महिला मजदूर की सॉफ्ट व्हील पट्टे के संपर्क में आने से हुई दर्दनाक मौत। थाने में परिजनों ने मचाया हंगामा। कटघोरा शहर के कारखाना एरिया में बीते दिन एक राइस मिल में कार्यरत महिला मजदूर की सॉफ्ट व्हील पट्टे के संपर्क में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। मजदूर महिला की मौत पर परिजनों में जमकर आक्रोश भी बना हुआ था। कल अस्पताल में हंगामा मचाने के बाद आज परिजनों ने कटघोरा थाना में भी मुआवजे की मांग व राइस मिल संचालक पर कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कारखाना एरिया में डुड़गा मार्ग पर प्रगति राइस मिल संचालित है, जिसके संचालक ओम प्रकाश गोयल है। इस राइस मिल में आसपास के ग्रामीण मजदूर कार्य करने आते हैं। बुधवार को शाम ढलने के पूर्व तकरीबन 4 बजे प्रगति राइस मिल में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में ग्राम लखनपुर निवासी 21 वर्षीय कविता कंवर पति नितिन कंवर महिला मजदूर की साड़ी का पल्ला सॉफ्ट व्हील पट्टे के संपर्क में आ गया और महिला बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गई, जिसे नज़दीकी कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जिस वजह से परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और मुख्य मार्ग पर नारेबाजी के साथ जाम जैसी हालत निर्मित कर दिए। पुलिस कर्मियों ने परिजनों को समझाइश दी तथा बढ़ते हंगामे पर काबू किया। मिल संचालक ओम प्रकाश गोयल को थाना बुलाया गया और इस हंगामे को शांत कराया गया। मिल संचालक ने परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु उचित मुआवजा की राशि के तौर पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। तब जाकर परिजन शांत हुए और आगे की कार्यवाही शुरू की गई। क्लिपा 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज कटघोरा थाने में काफी भीड़ भाड़ देखी गई है, क्या मामला था और किस तरह की कार्रवाई की गई है सर? कल शाम को ईश्वरदास महंत पिता धूमदास महंत 50 साल वार्ड बॉय कटघोरा के द्वारा डॉक्टर साहब कटघोरा के ला करके एक मेमो दिया था, जिसमें ब्रांड डेट लिखा हुआ था, जिसके अनुसार मृतिका श्रीमती कविता कंवर पति नितिन कंवर उम्र 21 वर्ष साकिन लखनपुर बस्ती की दुड़गा रोड के प्रगति राइस मिल में मजदूरी करती थी, वो कल उसी के राइस मिल में पट्टे अट्टे चपेट में आ गई है और उसको इलाज के लिए लाए थे, जो वहाँ एक्सपायर हो गई। सूचना पर मर्ग नंबर 7/21 कायम कल 7:30 बजे किया गया है। आज प्रातः पुलिस के द्वारा पंचनामा विवेचना पंचनामों करने का प्रयास किया गया, परंतु उनके परिजन मिल मालिक से अधिक मुआवजा राशि दिलाने की मांग पर अड़े थे और 5 लाख रुपए मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे। अंततोगत्वा पुलिस प्रशासन और कुछ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिल मालिक को बुला करके आपस में समझाने का प्रयास किया गया और मिल मालिक ओम प्रकाश गोयल के द्वारा मृतक के परिजनों को नगद 2 लाख रुपए की तत्कालिक मुआवजा राशि दाह संस्कार हेतु प्रदान की गई है। उसके बाद शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया है और पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को दे दिया गया है। पुलिस अभी जांच इसमें कर रही है। देर सवेर जिस टाइप के भी एविडेंस आएंगे उस टाइप का वैधानिक कार्रवाई पुलिस करेगी। सर, परिजनों को देखा गया है कि चक्का जाम जैसे भी हालात कर दिए थे, तो ऐसा उनको क्यों करना पड़ा सर? निश्चित ही उनके द्वारा कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा था, परंतु पुलिस के समझाइश और जनप्रतिनिधियों की समझाइश से उनके उस प्रकार कार्य पर रोक लगा दिया गया था और ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो सकती थी। धन्यवाद सर। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.